गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास सेवेंथ से जो हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 4, जिसकी डेट 15 अप्रैल 2021 रहेगी। और बच्चों, इसमें हम आपकी जो ये चैप्टर आया है दादी माँ, उससे रिलेटेड आज हम कार्य पत्रक करेंगे। तो बच्चों, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ में अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। बच्चों, ये सब ना हमारे क्या हैं, ये सब हमारे महीनों के नाम हैं, ठीक है। जैसे चैत भी, और इसमें हम कह सकते हैं क्वार, ये सब हमारे क्या हैं, महीनों के नाम हैं। और मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर का मतलब बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, मतलब बुखार हुआ तो होता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी कि जो बुखार उतरा वो 12 बजे के बाद उतरा, ठीक है। तो इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे चिड़ा का मतलब होता है चिड़वा, हुड़क का मतलब होता है तड़प, ज्वार मैंने आपको बताया ये बुखार, और साबू होता है साबूदाना, ठीक है। बच्चों, चलिए कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। लेखक ने कौन कौन से महीनों की बात की है, और बड़ों से पूछकर आपको सभी हिंदी महीनों के नाम लिखने हैं। तो जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सारे महीने दिए हुए हैं, तो लेखक ने यहाँ पर देखो आषाढ़ की बात की है, और किस चीज़ की बात की है बच्चों, अगहन की बात की है। ऊपर ये सब आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था महीनों के नाम है, ये चैत की बात की है और कुवार की बात की है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त कौन कौन से महीने होते हैं, देखो चैत्र होता है, वैसाख होता है, जेठ होता है जिसको ज्येष्ठ भी बोलते हैं, और आषाढ़ का भी महीना होता है हमारा, जो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, और सावन होता है जिसको हम श्रावण बोलते हैं, और कार्तिक भी होता है जब हमारी दिवाली आती है, और बच्चों माघ होता है, और फागुन, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप बच्चों अपने बड़ों से और हेल्प लेकर लिख लेना, आदि लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो आषाढ़ की बात यहाँ पर की गई है, अगहन की, और चैत की, कुवार की, तो लेखक ने इसमें बात की है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है, जो होता है वो चैत्र होता है, वैसाख होता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, माघ और फाल्गुन मास। गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है, चलिए इसका उत्तर लिख देती हूँ मैं। आम के बारे में बात की गई है, जामुन के बारे में बात की गई है, और चिड़वा के बारे में बात की गई है, और गुड़ के बारे में बात की गई है, और लाई के साथ गुड़ की पट्टी है ना, यही है लाई की बात की गई है, नींबू और साबूदाना, नींबू और साबू को बच्चों साबूदाना है ना, साबूदाना, यहाँ पर इन चीज़ों की बात की गई है। लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती थी, तो बच्चों इसका आंसर लिखना कि लेखक, हमने ऊपर पढ़ा है गंधपूर्ण झाग भरे, गंधपूर्ण का मतलब है कि जो गंदा होता है ना, जिसमें बदबू आती है, झाग भरे जल में कूदकर और नहाकर, जल में कूदकर और नहाकर, नहाकर जो है बीमार हो गया था, बीमार हो गया। लेखक को अच्छी हल्की बीमारी ना अच्छी लगती थी,
लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती, ठीक है बच्चों, थी। ये आपके तीनों के आंसर हो गए हैं। देखो लेखक जो है गंधपूर्ण झाग भर झागदार लिख सकते हैं या झाग भरे भी लिख सकते हैं। झाग भरे जल में कूदकर और नहाकर बीमार हो गया था। लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। अब प्रश्न नंबर 4 का उत्तर मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। इस बार लेखक का ज्वार कब उतरा था? हमने पढ़ा था कि रात 12 बजे के बाद जो है ज्वर उतरना स्टार्ट हुआ था, है रात 12 बजे के बाद ज्वर उतरा। ज्वर का मतलब है बुखार, ठीक है। आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है? आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं? हमें अगर बच्चों कभी आपको बुखार हो जाए, है ना, तो कैसा लगता है? बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। और क्या खाते हैं? हम जूस पीते हैं, है ना, हरी सब्जियां खाते हैं। अगर हमें बुखार हो जाए तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां खाते हैं और दालें खाते हैं, है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम प्रोटीन भरी होती हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे अगर कोई बच्चा दलिया खाता है तो आप दलिया लिख सकते हैं, है ना, दूध लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है बच्चों आप वो नाम लिख देना। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके 5 प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, अच्छे से दादी माँ समझा दिया है आपका पाठ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।